नमस्ते दोस्तों, सुमिता किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए पनीर और प्याज के पकौड़े की रेसिपी लेके आई। दोस्तों बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनती है। इस तरह से अगर बनाएंगे तो बच्चे बड़े सब और भी शौक से खाएंगे और मांग मांग के खाएंगे। इतनी टेस्टी बनती है, इतनी मज़ेदार है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, पनीर कैसे चमक रही है। टमाटर सॉस और चटनी से हमने सर्व किया है, आपको जो अच्छा लगा आप उससे खाइए, दोनों ही बढ़िया लगती है। वीडियो को पूरा देखा करें। अब चलिए इस पकौड़े को हम कैसे बनाएं देखते हैं। सबसे पहले तो हम प्याज इसी तरह से काट लिया है, चार प्याज काट के ले लिया लंबाई में। दूसरा बर्तन ले लेंगे, उसमें डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। नमक डाल के इसी तरह से मैश करेंगे थोड़ी देर, ताकि नरम हो जाए प्याज हमारी जल्दी। देखिए ज़्यादा लग रही थी, अब कम हो गई है। ये मैश कर लिया है। ढेर सारा हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक ग्रेट करके ले लिया है, चार पांच हरी मिर्च काट के लिया है, सब डाल देंगे। एक कटोरी से आधा बेसन ले लिया है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स कर लिया है, हमें एक्स्ट्रा पानी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि प्याज में ही बहुत सारा पानी होती है। थोड़ी कम ही लग रही है बेसन, दो चम्मच और डाल देंगे। पूरा एक कटोरी हो गई है, थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे, थोड़ी सी बेकिंग सोडा मिलाएंगे, इससे बहुत देर तक खस्ता बनी रहेगी। मिक्स कर लेंगे, देखिए बिल्कुल रेडी है। पनीर ले लिया है, इस तरह से पनीर काट लिया है लंबाई साइज में। अब इसको थोड़ा सा ले लेंगे, इसी तरह से हाथों में फैला लेंगे और एक पनीर का टुकड़ा इसके ऊपर रख देंगे। थोड़ा सा और डाल देंगे, इस तरह से बंद कर देंगे। बड़ी आराम से कर लेना है, सेम प्रोसेस है, इसी तरह से हम सारे रेडी कर लेंगे। देखिए रेडी कर लिया है, अब गैस पे चलते हैं। इधर हमने गैस पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल ही हमारी गर्म हो गई है, और इसे डाल के चेक कर लेंगे। देखिए ऑयल हमारी गर्म हो गई है, ज़्यादा गर्म ऑयल में मत दीजिए आप, एक एक करके डाल देंगे। इसी तरह से एक मिनट के लिए छोड़ के रख देंगे। एक मिनट हो गई है, अब हम पलट देंगे। देखिए कितनी बढ़िया कलर आई है। अब इसी तरह से गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम करके सेक लेना है अच्छी तरह से, बीच बीच में इसी तरह से पलट देंगे। कितनी बढ़िया कलर आई है, अब सेक गई है, अब हम निकाल लेंगे। मैं पास से दिखा रही हूँ, देखिए कितनी बढ़िया बनी है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। सेम प्रोसेस है, इसी तरह से हम सारे सेक लेंगे। एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे ताकि ये स्टाइल सूख ले। देखिए दोस्तों पकौड़े हमने रेडी कर लिया है, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आपके दिखा देती हूँ कितनी बढ़िया बनी है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनती है। एक बार तो ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, फिर मुझे कमेंट करके बताएं आपकी रेसिपी कैसी लगी है। हरी चटनी और टमाटर सॉस से सर्व किया है, आपको जो अच्छा लगा आप उससे खाइए, दोनों से ही बहुत टेस्टी लगती है। तो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबा देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अब चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।